लॉगिन होने के बाद हम मैनेज सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ से आने के बाद हमें चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल पे आ जाना है। यहाँ से वेरीफाई ऑफ चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आधार से आपका जो भी नंबर लिंक है उस नंबर को आप डाल लेंगे। अगर आपका नंबर लिंक नहीं हो तो कृपया उस नंबर को लिंक करवा लीजिए, तभी ये आपका इसमें लिंक हो पाएगा। इसके बाद री इंटर आधार लिंकड मोबाइल नंबर डाल देंगे। डालने के बाद हमें गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आईडी शो हो जाएगी। इसके बाद आपका लास्ट का आधार नंबर जो है शो हो जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक पिन के माध्यम से एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे। वैलिडेट करने के बाद आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है इसके ऊपर एक ओटीपी आएगी। जो सेम नंबर है तो सेम ओटीपी आएगी आपकी, चेक कर लीजिएगा। यहाँ से कुछ पेज लोडिंग हो रहा है। अभी लोडिंग होने के बाद आपकी ओटीपी का जो पिन नंबर है आ चुका है। यहाँ से अपना पिन नंबर डाल लेंगे। पिन नंबर डालने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पिन जो है वेरीफाई होके आ चुका है। अब देख लीजिए आपका रजिस्टर्ड नंबर जो पहले नॉट वेरीफाइड लिख के आया था अभी वेरीफाई होके आ चुका है। इसके बाद आ जाते हैं हम ईमेल आईडी पे। जो हमारी ईमेल आईडी है पहले से लगी हुई है, अभी नॉट वेरीफाइड दिखा रही है। हमें अभी न्यू ईमेल आईडी अपनी डाल लेनी है। न्यू ईमेल आईडी यहाँ से डाल लेंगे, फिर री इंटर करेंगे हम। सेम उसी मेल को यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद गेट ऑथराइजेशन पिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो भी मेल आईडी में एक ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर दीजिए। इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज लोडिंग हो रहा है और ये आपका आधार का नंबर जो भी है सक्सेसफुली हो चुका है। और